ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गाजा युद्ध के 20वें दिन इसराइल ने हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। वहीं हमास के हमलों में इसराइल के भी कई नागरिक घायल हुए हैं। हमास ने रात भर इसराइल के शहरों में रॉकेट दागे, जिससे अफरा तफरी मची रही। इसराइल और हमास की जंग 20वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। हर दिन हर रात इसराइल और फिलिस्तीन के लोगों पर भारी है। कल की रात एक बार फिर इसराइलियों के लिए किसी बुरे सपने की तरह गुजरी। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में कल रात रॉकेट हमलों का सायरन बजा। खतरे की आवाज से लोग संभले ही थे कि कुछ ही सेकंड के अंदर रॉकेट जमीन पर गिरा और धमाके की आवाज आई। रॉकेट के धमाके के बाद अब उसका असर देखिए। रॉकेट अटैक से तेल अवीव की ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। बताया गया कि इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह गाजा की तरफ से एक और रॉकेट आया। इस रॉकेट हमले में भी 2 इजरायली घायल हो गए। दरअसल गाजा में इसराइल की स्ट्राइक के बदले हमास अंधाधुंध रॉकेट दाग रहा है। सामान्य रॉकेट तक तो बात कंट्रोल में थी, मगर हमास ने अब चिंता बढ़ा दी है। उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हैं। एक वीडियो जारी करते हुए इस आतंकी संगठन ने बताया कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो 220 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इधर इसराइल भी गाजा में हर दिन धुआं उड़ा रहा है। कल भरी दोपहर में इसराइल ने हमास के ठिकाने पर हमला किया, जिसका असर दूर तक नजर आया। समंदर में भी हमास के आतंकियों पर इसराइल ने प्रहार किया। ये आतंकी पानी के रास्ते इसराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी सेना ने इन पर निशाना लगाया और 2 सेकंड के भीतर काम तमाम कर दिया। इन ताबड़तोड़ हमलों के बीच इसराइली सेना ने एक बार फिर कहा है कि ये जंग लंबी चलने वाली है। תהיה ארוכה, ובכדי לעמוד במטרות המלחמה, נדרש חוסן, נדרש אמון, נדרשת סבלנות. प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरह इजरायली सेना ने भी जमीनी ऑपरेशन के संकेत दिए और कहा कि वो जंग के अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं। כוחות צה"ל פרוסים באופן נרחב מסביב לרצועת עזה, ערוכים גם בהגנה וגם בהתקפה וגם נערכים לשלבים הבאים במלחמה. दक्षिण में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार खड़ी इजरायली सेना उत्तरी सीमा पर भी मुस्तैद है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला के हमलों से निपटने के लिए बड़ी तादाद में इजरायली टैंक सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला के आतंकी और इजरायली सेना के बीच रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। बम, बारूद और तबाही। इसराइल और गाजा में बस यही सब दिख रहा है। युद्ध की त्रासदी झेल रहे आम लोगों के लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को इसराइल में घुसकर हमास के आतंकियों ने कई लोगों को अगवा कर लिया। अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी। इन बंधकों के परिवार वाले कल यरूशलम में जुटे थे। इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनके परिवार वालों को हमास के चंगुल से निकाल लेगी। हालांकि उम्मीद के सिवाय इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इस जंग का अंत फिलहाल अनिश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।